अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आमिर खत्री और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। एमएस एक्सेल की आज की क्लास में कलर कोड ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले डेटा टैब में जाकर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे और अलो वाले ड्रॉप डाउन बॉक्स में से लिस्ट को सिलेक्ट करके सोर्स में हमें जो लिस्ट में नेम्स चाहिए वो लिखेंगे, जैसा कि कम्प्लीट कॉमा इन प्रोग्रेस कॉमा नॉट स्टार्टेड लिखेंगे और फिर ओके कर देंगे। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने सेल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद हम चले जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेट में। हाईलाइट सेल पे क्लिक करेंगे और इक्वल टू पे आएंगे, वहां पे हमने लिखना है कंप्लीट। कंप्लीट लिखने के बाद हमें उसका फॉर्मेट सेट करना होगा। कंप्लीट लिख लिया, अब आ जाएंगे इसके फॉर्मेट में, तो कलर देना है ग्रीन कलर हमने दिया और ओके कर दिया। सेम उसी तरीके से हम दोबारा से इक्वल टू में आएंगे, कंडीशनल फॉर्मेट और फिर हाईलाइट सेल, फिर इक्वल टू, और वहां से हम इक्वल टू में लिखेंगे नॉट स्टार्टेड। नॉट स्टार्टेड के बाद फॉर्मेट में आएंगे और उसका कलर सिलेक्ट करेंगे रेड, ओके कर देंगे। सेम उसी तरीके से इन प्रोग्रेस का भी कलर सिलेक्ट करेंगे, उनको येलो कलर दे देते हैं और फिर ओके कर देंगे। अब हमारे कलर कोड ड्रॉप डाउन लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस कैटेगरी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं उसका कलर ऑटो चेंज होता जा रहा है। आई होप कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।